कृष्णा, आई होप आप लोग सब सही होंगे। मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि भगवद्गीता के बारे में। भगवद्गीता हमारी बहुत मेन बुक है, जो हमारे दिमाग में टेंशन, ऑफिस का वगैरह सब जो हमारे टेंशन होते हैं ना, उसे हम भगवद्गीता को आधा घंटा भी पेश हम पढ़ेंगे ना, उससे टेंशन वगैरह सब दूर हो जाता है। और ऑफिस में ऐसा मन लगता है कि वो फटाफट करके निकल जाऊँ मैं, ऐसा होता है। भगवद्गीता हमारी बहुत मेन बुक है। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी कि बच्चों को हर रोजाना जो हमारे स्कूल के एग्जाम जो होते हैं उसके सर पे पढ़ाई वगैरह सब जो होते हैं ना, आधा घंटा भी अगर उस बुक को पेश को अगर हम आधा घंटा भी पढ़ेंगे ना, तो हमारे टेंशन में सब दूर हो जाएगा। और स्कूल में भी माँ हरे कृष्णा का मंत्र पढ़ते जाना है, जब तक आप पेपर करो आपको वो याद आता जाएगा और आप मन में बिल्कुल पढ़े, और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी कि भगवद्गीता के बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो कृष्ण जी उसके मुख से भगवद्गीता मेन बुक इसलिए निकली थी क्योंकि सब जो हमारे ऑफिस में टेंशन वगैरह सब जो होता है ना, इसलिए से बुक होता है। और कृष्ण ने अर्जुन को ये पहली बुक भगवद्गीता आप सुनाई थी, आपको याद होगा। और मैं आपको ये रोज कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज, आप लोग हरे कृष्णा का जब आपका पेपर होता है जब भी, तब आप सुबह जाओ और पेपर आपका हो, टेंशन मत लेना है, आपको हरे कृष्णा का मंत्र मन में पढ़ना है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तब भी मेरा पेपर होता है मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले बुक में कृष्णा का नाम लिखना चाहिए और कृष्णा को याद करते करते इंसान करना चाहिए, इससे हमारा सफलता होता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पेपर में अगर आप कृष्णा का नाम लिखो तो अगर आप टीचर को दो पेपर तो आप उसे मिटा सकते, भले कि कृष्णा मैं आपको मिटा रहा हूँ, मेरे को माफ़ कर देना। और मैं तुलसी के बारे में ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने आपको बहुत सारे पता है कि पॉट में क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं, लेकिन ये मैंने सारे तुलसी वगैरह मरवा सर सब कुछ मैंने ये उगाए, क्यों? क्योंकि ये कृष्णा की इसके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। और इसमें मैं पानी भी रोजाना डालती हूँ और इसको धूप में मैं रखती हूँ ताकि ये सूख जाए। इसलिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप रोजाना चक्कर भी काटते होंगे इसके और इसकी आरती भी करती होंगी। मैं भी रात को हमेशा इसके तुलसी रानी की आरती बिल्कुल पीजिए। आपको नहीं आती है मोबाइल से डाउनलोड करके भी आप लोग सीखे, आपकी मम्मा से, मॉम से, डैड से, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो आरती नहीं करते, इसलिए तो रानी उसके घर में नहीं रहती, वो भी मुरझा जाती है। देखिए मुरझा गई है। थैंक यू सो मच हरे कृष्ण।